जहां एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी हितकारी योजनाएं चलाकर लड़कियों को लड़कों के बराबर में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वहीं बेटियों को बोझ समझने वाले उनको इस दुनिया में जीने का मौका भी नहीं दे रहे। ऐसा ही एक मामला बैतूल जिले के भैंसदेही के सामने आया है, जहाँ एक निर्दयी माँ ने अपनी एक दिन की नवजात को नाली के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जिसे कुत्तों ने नोच नोच कर मार दिया। वहीं कुत्ते को बच्चे का शव नोचते देख वहां मौजूद कुछ लोगों ने कुत्ते को भगाया और पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। खेतने से एक कुत्ते ने एक शिशु को लेके आया, यहाँ खेलते हुए बच्चों ने उसको देखा पाया जाने के बाद में हमने इसकी खबर 100 नंबर डायल पे किया। अभी शाम को करीब एक घंटा पहले गांव मोहल्ला निवासी रफीक खान ने फ़ोन करके बताया कि उनके घर के पीछे एक नवजात शिशु जिसको कुत्तों ने खा लिया है उस हालत में पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और पंचनामा कार्रवाई की गई है। नवजात शिशु का लिंग का अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि चूँकि जानवरों ने उसको नीचे तरफ से कमर के नीचे सारा खा लिया है और पंचनामा कार्रवाई की गई है। बाद PM के लिए भैंसदेही अस्पताल भेजा है, इसके बाद जो भी जाँच में पाया जाता है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शंकर राव हमसे जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी मिल रही है शंकर जी? महिमा जी, आपको बता दिए, भैंसदेही शहर के वार्ड क्रमांक 14 का मामला है, जहां पर वार्ड वासियों ने भैंसदेही पुलिस को सूचना दी थी कि एक नवजात बच्चे का जो शव है वो उनके नालियों के पास झाड़ियों में फेंका गया है, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची थी। और वहां पर जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच की तो जाँच में ये पता लगा कि जो नवजात बच्चे का शव है वो कम से कम 2 से 3 दिन पुराना है, लेकिन ये जो बच्चे का शव था इसे कुत्ते ने खा लिया था, ताकि क्योंकि पैर के नीचे से उसका सारा हिस्सा खा लिया था, जिसके कारण उसका लिंग का पता नहीं लग पाया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच कर रही है और जांच में जो भी सामने आएगा पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।